आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के चिराहुला में। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है लॉकडाउन की स्थिति है। शासन ने मंदिर मस्जिद तो नहीं खोले लेकिन मदिरालय जरूर खोल दिए। इसी बात का विरोध करने यहाँ पर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना आए हुए थे। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं वो इस समय चिराहुला मंदिर में क्या करने आए थे। सर क्या करने आए थे आप आज यहाँ? देखिए, जो भारत की स्थिति है, पूरे विश्व की स्थिति है, कोरोना के कारण पूरा विश्व अस्त व्यस्त है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। उसी स्थिति में भारत में भी लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन का अक्षरशः पालन लगभग भारत की जनता हर परिस्थितियों में करने के लिए तैयार थी, चाहे मजदूर हों चाहे जो हों। आज मजदूर इतने प्रताड़ित हैं, इतने पीड़ित हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, रास्ते में पैदल चल रहे हैं और सांप काटे ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस लॉकडाउन से जितना कोरोना के अलावा दुर्दशा हो रही है कोई कुछ आप कह नहीं सकते। अब वो पीड़ा अपने से देखी नहीं जाती, इसलिए कि हमारे क्षेत्र के भी कई मजदूर एक्सीडेंट हुए, कई लोगों को सांप काटा, सारी बातें हुई। अभी दारू की दुकानें भी खोल दी गई जिसमें लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि आज हम यहां मंदिर में आए तो हो सकता है मेरे ऊपर अपराध भी लगे, लेकिन दारू में लगातार भीड़ हो रही है, होगी हो ही है, लाइनें लगी हैं, लेकिन उसमें न कोई भीड़ होनी, उसमें कोई न अपराध लगने हैं, न कोई कुछ भी है। तो हमारे समझ से कि आज जो भारत की स्थिति है, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, इससे ये लगता है कि सिर्फ भगवान ही हमको बचा सकता है और हम लोगों को भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब पूरे भारत में पट खोलने चाहिए और भगवान की जब तक पूजा नहीं होगी तो कोरोना ठीक होने वाला नहीं है। इसी तारतम्य में मुझे ये लगा कि अब रीवा को कोरोना से शासन प्रशासन नहीं बचा सकता, ना उनकी व्यवस्थाएं बचा सकती, ना शराब की दुकानें बचा सकती। अगर बचा सकता है तो बचा सकते हैं तो सिर्फ चिराहुलानाथ स्वामी ही रीवा की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमने उचित समझा कि हम लोगों को चिराहुलानाथ का दर्शन करना चाहिए। हमने दर्शन भी किया उनका और पूजा अर्चना की और मैं समझता हूँ कि अब रीवा सुरक्षित हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। निश्चित रूप से इस समय मंदिर मस्जिद दुआओं का ही सहारा लिया जा सकता है। दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाला सुन सकता है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, अगर शासन ये कहता है कि हम मंदिर नहीं खोलेंगे तो आप आगे चल के किस तरीके के स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं? देखिए क्या है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि हाँ भगवान पर विश्वास ही नहीं, निश्चित रूप पर यहाँ पर भगवान की कृपा। आज देश हो चाहे प्रदेश हो, मैं समझता हूँ कि चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज की सरकार हो, चाहे उधर आदित्यनाथ योगी की सरकार हो, ये सब राम नाम के नाम पर, चाहे उनको ब्लैकमेल करके और चाहे जो भी करके सरकारें बनाई और उनके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई भी, इसलिए वो आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि मोदी जी का भी विश्वास राम से उठ गया और हमको ये लगता है जो देश के हालात हैं तो राम का भी विश्वास इस इनके ऊपर से उठ गया है, राम भी बौखला गए हैं, इसलिए पूरी प्रकृति देश की बदल चुकी है। अभी आप देखो उधर गैस रिसाव हो गया लगातार विशाखापट्टनम में, और इधर देखो कोरोना कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब 300 मरीज भारत में थे तो लॉकडाउन लगाया गया पूरे भारत में, अब आज जब 40,000 50,000 60,000 मरीज हो गए, कोरोना के मरीज हो गए, तो लॉकडाउन आधा कर दिया गया, शराब की दुकानें खोल दी गई, इससे क्या मैं देना चाहते हैं मैसेज? मैं समझता हूँ कि इसका मतलब फिर और आप कोरोना फैलाना चाहते हो। अरे कम से कम मजदूरों की रक्षा करो। श्रीमती सोनिया गांधी ने ये तक कह दिया कि मजदूरों का मैं भाड़ा दूंगा और दे भी रही हैं। आज मजदूर ट्रेनों से कुछ वापस आए और नहीं तो मजदूरों की लगातार दुर्दशा हो रही है और पैदल चलते चलते मजदूर कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, उनको कोई पूछना नहीं। अरे इस कलेक्ट्रेट में फ़ोन लगाओ, एक पास नहीं मिलता, चाहे मर जाओ आप। अस्पतालों में जाओ, अस्पतालों की हालत है कि कोई डॉक्टर सामान्य मरीज को जो हार्ट का पेशेंट है, जो किडनी का पेशेंट है, उसको देखने के लिए तैयार नहीं, डंडे से उसका जो है ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ये क्या है? इस तरीके की सुविधाएं चल रही हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही है। कोरोना की जांच कहां हुई? कोई जांच नहीं हो रही है, समझ गए? तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ इस भारत को भगवान ही बचा सकते हैं, रीवा को चिराहुलानाथ स्वामी बचा सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है भगवान पर विश्वास करें तभी कुछ हो सकता है, बाकी शराब पीने से कुछ नहीं होगा। शराब पीने से कुछ नहीं होगा, निश्चित रूप से जो लोग
मां राम का नाम लेके सत्ता में आए थे, वही आज उनका उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं। राम यह कहना था यहाँ पर पूर्व विधायक का, जो साफ तौर से कह रहे थे कि भारत आस्थाओं का देश है, आस्थाओं पर विश्वास रखिए, निश्चित रूप से कोरोना से हम बच सकेंगे। न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने ये करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। घर पर रहिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।